तो गाइज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि तुम्हें पता पड़ जाए कि मेरा नया वीडियो कब अपलोड हुआ है। सुख दुख क्या है? सुख और दुख दोनों का एक ही मतलब है। जो सुख है वही दुख है, बस हमारी सोच दोनों में फर्क करती है। जैसे कि आपने आम खाया, आपको आम का स्वाद मीठा लगा, ये सुख है। लेकिन फिर आपने नीम खाया, आपको नीम का स्वाद कड़वा लगा, असल में नीम का कड़वापन दुख नहीं है, बल्कि आप हर चीज में आम जैसा स्वाद ढूंढ रहे हो, ये दुख है। सुख दुख तो पहिए की तरह हैं साहब, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। लेकिन आपको सुख का चस्का लग गया है, यही तो दुख है। सोचिए कोई ऐसी चीज जो आपको आनंद देती है, आपको सुख देती है, जब वो चीज आपसे दूर चली जाए तो आपको दुख होता है। असल में दुख का कारण है हमारी चाहत। जब हम कुछ चाहते हैं और वो ना हो तो हम दुखी होते हैं। दुख हमें कष्ट नहीं देता, हमारी चाहत हमको दुख देती है। नहीं तो दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये तो समय है, अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा। अगर हमें सच में पता चल जाए कि हर चीज टेम्परेरी है, नश्वर है, तो हम दुखी होंगे ही नहीं। ना तो दुख हमेशा रहने वाला है और ना ही सुख, यही सत्य है। ये सुख दुख में फर्क करने वाला हमारा मन है, ये मन ही सब कुछ है। सोचिए आप सो रहे हैं और आपके हाथ के ऊपर से एक छिपकली होकर गुजरती है तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब सोचिए कि आपके सामने कोई छिपकली आपके हाथ से होकर गुजरे तो क्या रिएक्शन होगा? अब तुरंत परेशान हो जाएंगे, गंदा फील करेंगे। लेकिन सोचिए छिपकली ने आपको परेशान किया या आपके मन को। एक पंडित जी बस में सफर कर रहे थे, बस में भीड़ काफी थी, लोग एक दूसरे से सटे हुए थे। यहां तक तो पंडित जी आराम से थे, उनके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने लड़के को आवाज लगाई, उस लड़के के नाम से लगा कि वो लड़का एक नीची जाति का है। अब तो पंडित जी का धर्म भ्रष्ट हो गया, लेकिन कब से उस लड़के के साथ खड़े हुए थे तब कुछ नहीं हुआ। जो किया सब मन ने किया, नहीं तो इंसान तो इंसान है भाई। सोचिए आपके सामने आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, एकदम खुश हो जाएंगे। और वहीं आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे आपकी लड़ाई हो तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वो एक एक्टर भी इंसान है और वो आदमी भी, बस फर्क है तो मन का। दोस्तों सोचिए जब आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हो या कोई जोक पढ़ रहे हो तो आपको मजा आता है, और वहीं जब आपको कोई डांटता है तो आपको गुस्सा आता है। गौर से सोचिए, आपका तो आपके मन पे ही कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा कंट्रोल तो दूसरों के हाथों में है। कोई डांट कर हमें दुखी कर सकता है, कोई जोक सुनाकर हमें हंसा सकता है। हमारा मन हमारे कहने में नहीं है, बल्कि दूसरों के कहने में चल रहा है, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर हम अपने मन पर काबू पा लें तो सारा खेल खत्म, सब क्लियर हो जाएगा, सुख ही सुख रह जाएगा। अब मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। मेडिटेशन ही वो प्रक्रिया है जिसका यूज करके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को अपने वश में रख सकते हैं। अब मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके कुछ भी देखने की कोशिश करें, नहीं। मेडिटेशन का सीधा सा मतलब है ध्यान। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, अपने काम को पूरे ध्यान से करना ही मेडिटेशन है। अपने मन को किसी एक काम में लगाइए, फिर पूरे ध्यान को वहीं रखिए, तो यही मेडिटेशन है। अपने मन की गतिविधियों को देखिए, सब कुछ काम कैसे करता है, आप खुद काम कैसे करते हो। हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज लगती है तो मन को पता चला और मन में एक फीलिंग दी, और उस फीलिंग की वजह से हमारे शरीर ने तुरंत गर्म चीज से हमारा हाथ हटा लिया। जरा गौर कीजिए कि हम जो भी करते हैं, कुछ भी, वो एक विचार होता है, और विचार मन में बनता है, फिर विचार से फीलिंग आती है, और उस फीलिंग के अनुसार ही हमारा शरीर काम करने लगता है। मेडिटेशन एक लंबी प्रक्रिया है जिसको समझने में, करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। आज की इस वीडियो का अंत मैं यहीं पे करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।